ये जो हमने लास्ट टाइम देखा था बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए कहीं कोई एक ट्राइंगल हमको दे रखा है, मान लो ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में ये दे रखा है कि कोई एक साइड है डी ई, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें एक साइड दे रखी है डीई विच इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो ट्राइंगल हमें दे रखा है एबीसी, उसमें एक साइड दे रखी है डीई, डीई बीसी के पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो डीई है ना, ये एबी को और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। वो किस तरीके से, क्या प्रूव करा था हमने कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये चीज प्रूव करेगी। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट टाइम करी थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, क्योंकि तो जिस मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करा था उसका नाम थेल्स था, तो इसको थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। अब इसका उल्टा, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगली थ्योरम है ये वाला, तो आपने लास्ट टाइम कर लिया था, अब अगली वाली थ्योरम नोट करेंगे। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें क्या था, जैसे हमारी जो थेल्स थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम ने हमें ये दे रखा था कि अगर एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है बाकी की दोनों साइड्स को, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या है कि इसका उल्टा ये हो जाएगा कि अगर अगर अब हमें ये दे रखा हो कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो मैं किस तरह से ये प्रूव कर सकता हूं कि DE BC के पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब मुझे उल्टा प्रूव करना है, पहले क्या दे रखा था कि DE BC के पैरेलल है, अगर DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ये चीज हमने प्रूव भी करी थी लास्ट टाइम। अब अगर उल्टा दे रखा है, मतलब अब हमें ये नहीं दे रखा कि डी ई बी सी के पैरेलल है, ये नहीं दे रखा है, अब मुझे ये दे रखा है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये अगर मुझे दे रखा है तो मुझे ये प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखें, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, a line divides if a line divides any if a line divides any two sides If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, comma, then the line is parallel to the third side. Parallel to the third side, then the line is parallel to the third side.
और यहां पर मुझे क्या गिवन है, पहले तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हमने बना लिया एबीसी, और यहां पर एक लाइन बना ली डीई, डीई एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली हमने डीई। अच्छा गिवन गिवन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये दे रखा है इनको कि एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के इक्वल है। मुझे प्रूव क्या करना है, डीबी इज पैरेलल टू बीसी। टू प्रूव डीई इज पैरेलल टू बीसी है ना, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसमें आप प्रूफ में लिखिएगा कैसे लिखेंगे, इफ डीई, इफ डीई इज नॉट पैरेलल If DE is not parallel to BC, then if DE is not parallel to BC, then let us assume that there is a line DE dash parallel to BC. ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज शोन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज शोन, मतलब आप जानबूझकर आप ये कहेंगे कि देखिए मेरे को प्रूफ तो ये करना है कि डीई बीसी के पैरेलल है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अच्छा अगर चलो डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, ठीक है, अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो होगी जो बीसी के पैरेलल होगी, कहेंगे हाँ भाई दुनिया में कोई भी लाइन है तो उस लाइन के पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो होगी ही, हाँ बिल्कुल होगी। तो हमने ये कह दिया कि चलो मान लेते हैं कि DE डैश कोई एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इस पॉइंट को मान लो DE डैश, DE डैश। तो हमने कह दिया कि ये जो DE डैश है ये BC के पैरेलल है, तो अब लिखेंगे अच्छा ये हमको दे रखा है, जो चीज दे रखी है बेटा इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। नाउ सिंस डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी by basic proportionality theorem AD upon DB देखिए ऐसा है कि जब मुझे converse of basic proportionality theorem प्रूव करना है तो मैं basic proportionality theorem को तो मैं प्रूव कर चुका हूं, यानी कि मैं basic proportionality theorem के relation को use कर सकता हूं, समझ रहे हैं। मुझे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने में मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये लाइन DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC हो जाएगा। यहां पर अब मैंने ये मान लिया कि एक लाइन है DE डैश जो कि BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। बताइए दिव्यांशी,
दिव्यांशी ये वाला रिलेशन क्लियर है कि नहीं? यस सर। दिशा विदित आप दोनों बताओ। यस सर। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन में मुझे क्या दे रखा है कि AT upon DB, AT upon EC के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर टू में हमने ये देखा कि AD upon DB, AE dash upon E dash C के इक्वल है। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो AE upon EC, AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C, समझ गए? यहां से मुझे ये समझ में आता है कि AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C। ये चीज यहां से समझ में आती है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ मैं अब एक काम करूंगा, मैं दोनों तरफ वन ऐड कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखते जाइए। एड वन ऑन बोथ साइड्स, तो AE अपॉन EC प्लस वन इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस वन। दोनों तरफ वन ऐड कर दिया। वन ऐड करने का मतलब ये EC वन में मल्टीप्लाई होगा, तो EC इंटू वन क्या हो गया EC, तो ये हो गया AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू, ऐसे ये E डैश C यहां वन में मल्टीप्लाई होगा, ये E डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अब क्या करेंगे, इस तरफ कर रहा हूं, ये दोनों तरफ मैंने वन ऐड करा तो न्यूमरेटर में आ गया AE प्लस EC। अब आप दिखाई दे रहा होगा आपको AE, A से लेकर E तक और फिर EC, E से लेकर C तक, अगर मैं AE प्लस EC कर दूं तो ये पूरी लेंथ AC बन जाएगी। तो न्यूमरेटर में आ गया AC अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है EC इज इक्वल टू, और देखिए AE डैश प्लस E डैश C, मतलब A से लेकर E डैश तक AE डैश, फिर E डैश से लेकर C तक E डैश C, अगर AE डैश और E डैश C को ऐड कर दिया जाए तो टोटल लेंथ AC बन जाएगी। तो राइट हैंड साइड पर भी AC हो गया और डिनोमिनेटर में E डैश C। अब AC से AC कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन E डैश C। It implies that जब दोनों का reciprocal equal है तो दोनों terms भी equal होंगी। EC is equal to E dash C. It implies that E and E dash are same points इसका मतलब ये है कि E और E dash जो है वो अलग अलग points नहीं है, क्योंकि EC, ये EC is equal to E dash C है, इसका मतलब E dash और E दोनों coincide करते हैं, दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स है। और जब दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स है तो जो हमने कहा था, हमने अज्यूम करा था कि DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो जब E डैश और E दोनों सेम पॉइंट्स हैं तो DE इज पैरेलल टू EC हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट DE डैश पैरेलल टू BC इज नथिंग बट DE is parallel to BC, और यही मुझे प्रूव करना था। बताइए बेटा क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। विदित समझ में आ गया? सर यस। दिशा दिव्यांशी? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब जरा इस पे देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। ये दोनों ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं,
बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो स्कूल में आपके एग्जाम्स होंगे उसके हिसाब से पूछा जाता है काफी। अब एनसीईआरटी से मैं करवा रहा हूं तो पेज नंबर 126 एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल 126 एग्जांपल 1 इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एबी एंड एसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली ठीक है and is parallel to BC, ठीक है? Prove that AD upon AB is equal to AE upon AC. See figure. मतलब example number one है. Example number one में आपको figure दे रखी है. तो figure देखिएगा क्या है? डी ही दे रखा है और बी सी दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है गिवन गिवन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये डी ई जो है ये हमको बी सी के पैरेलल दे रखा है ना, ये दिया है इन्होंने और फिर प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी टू प्रूव ए डी अपॉन ए बी AD upon AB is equal to AE upon AC. AE upon AC. इसका प्रूफ देखिएगा इन ट्राइंगल ABC सेंस DE is parallel to BC, so by basic proportionality theorem, by basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. अब देखिए रात मुझे क्या चाहिए, मैं ये देखना चाहूंगा, हमेशा मुझे ये देखना होगा कि जैसे मुझे चाहिए AD upon AB, AB क्या है ये पूरी की पूरी लेंथ AB, ठीक है अच्छा, और इस तरफ मेरे को चाहिए AE मतलब ऊपर वाली छोटी लेंथ और upon AC मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ। अच्छा जो ये पूरी वाली लेंथ है ना, ये पूरी की पूरी लेंथ मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं AD और DB दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा AB मिल जाएगा, ऐसे ही जब मैं AE और EC को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा का पूरा AC मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरी बड़ी वाली लेंथ क्या है, AB है और AC है, लेकिन उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, AD चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मुझे छोटी वाली लेंथ चाहिए AD, ठीक है। तो जो भी मुझे चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए मुझे छोटी वाली लेंथ AD चाहिए और पूरी बड़ी वाली लेंथ चाहिए, बड़ी वाली लेंथ तो सीधा सीधा वन ऐड करके दोनों तरफ वन ऐड करके मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों तरफ वन ऐड करा था तो AE प्लस EC मिल गया, तो ये पूरी बड़ी लेंथ हो गई थी AC। उसी तरीके से बड़ी वाली लेंथ तो मुझे मिल जाएगी, मुझे देखना बड़ी लेंथ के अलावा मुझे कौन सी लेंथ चाहिए। इस साइड में देखूं तो बड़ी वाली लेंथ है AB, AB को तो भूल जाओ, वो तो मिल जाएगा वन एंड करके, लेकिन उसके अलावा मुझे AD चाहिए, ठीक है। तो बड़ी लेंथ के अलावा जो चीज मुझे चाहिए होती है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। याद रखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस में बड़ी वाली लेंथ के अलावा जो मुझे दूसरी लेंथ चाहिए होगी उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगा। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर बाई बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एडी जो है वो न्यूमरेटर में दे रखा है, ठीक। और मुझे इस प्रूफ में बड़ी वाली लेंथ तो एडी है, उसके अलावा मुझे एडी चाहिए, है ना। तो एडी एडी मुझे डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं रेसिप्रोकल करके उसको वापस न्यूमरेटर में ले आऊंगा, वो दूसरी चीज है, उसको छोड़ो। लेकिन शुरुआत में मुझे एडी डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी अगर मैं देखूं तो मुझे क्या प्रूव करना है, एई अपॉन एसी, यानी कि बड़ी वाली लेंथ तो हो गई एसी, उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, एई मतलब ये वाली लेंथ चाहिए। तो ये मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए होगा, इनिशियली ये मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए होगा। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एई न्यूमरेटर में आ रहा है, एडी भी न्यूमरेटर में आ रहा है, मुझे ये दोनों के दोनों जो है ये डिनोमिनेटर में करने पड़ेंगे। तो आप यहां पर कहेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। इस चीज को याद रखना कि बड़ी वाली लेंथ के अलावा जो दूसरी लेंथ मुझे चाहिए होती है वो मैं डिनोमिनेटर में लेकर आता हूं इनिशियली, बाद में क्या करना है वो मैं आगे बता दूंगा। तो इसलिए मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही इसका प्रूफ स्टार्ट करूंगा। और यहाँ एडी और एई दोनों न्यूमरेटर में आ रहे हैं तो मैं कहूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। Taking reciprocal on both sides, दोनों तरफ reciprocal ले लेंगे तो dB upon AD हो जाएगा, dB upon AD is equal to EC upon AE, EC upon AE। अब दोनों तरफ one add कर दो, add one on both sides। ये हो जाएगा dB upon AD plus 1 is equal to EC upon AE plus 1, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया तो AD 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया dB plus AD upon AD is equal to EC plus AE upon AE। अब dB plus AD कितना हो जाएगा, ये dB और AD इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, AB, AB upon AD, EC plus AE को देखिए, EC plus AE इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, AC, ये हो गया AC upon AE, समझ गए। तो ये जो बड़ी वाली साइड है AB और AC, अब ये दोनों की दोनों न्यूमरेटर में आ गई, लेकिन मुझे ये डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। अब क्या करिए, आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, जो आपको चाहिए वो प्रूव हो गया। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये चीज प्रूव हो गई, बताइए समझ में आ गया। बताइए बेटा चारों बच्चे, अमन, दिशा, विदित, दिव्यांशी। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है। तो एक फंडा आप याद रखना कि अगर मान लो आप यहीं पर, अगर आपने मान लो यहीं पर वन ऐड करने की कोशिश करी तो ठीक है, AD plus DB मिल जाएगा आपको वन ऐड करने पर, तो आपको AB तो मिल जाएगा लेकिन दूसरी साइड डिनोमिनेटर में DB मिलेगा। और मुझे प्रूफ में DB नहीं चाहिए, मुझे तो प्रूफ में AB चाहिए, वो AD चाहिए। तो जो चीज बड़ी वाली साइड के अलावा जो चीज मुझे प्रूफ में चाहिए होती है उसको आप इनिशियली डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो मुझे AD चाहिए था, है ना, तो मैंने इसलिए रेसिप्रोकल लेकर AD को और AE को दोनों को मैं डिनोमिनेटर में ले आया, फिर मैंने वन ऐड कर दिया। वन ऐड करने के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया, फिर लास्ट में एक बार फिर रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। समझ गए, चलें बेटा आगे। यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं पेज नंबर 127 पर, एग्जांपल नंबर 2।
पेज नंबर 127 एग्जांपल नंबर 2 एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विद एबी पैरेलल टू बीसी ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली सच दैट ईएफ इज पैरेलल टू एबी ठीक है सी फिगर मतलब इसमें भी हमको फिगर दे रखी है तो मैं फिगर बना रहा हूं शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC तो ये हो गया ए बी सी डी ए बी सी डी और यहां पर है ई और यहां पर है एफ ठीक है अब देखिएगा यहां पर देख क्या रखा है वन ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं तो ट्रेपेजियम में एक साइड दे रखी है एबी और एक साइड दे रखी है डीसी तो ये दोनों साइड्स जो है ये पैरेलल है ना तो मैं क्या करूंगा कि जब एबी और डीसी दोनों पैरेलल है और इन्होंने बोला कि ईएफ एबी के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ईएफ जो है वो डीसी के भी पैरेलल होगा ये बात है यहां पर लिखेंगे सिंस एबीसीडी इज अ trapezium thus AB is parallel to BC and it is also given that EF is parallel to AB it implies that EF is also parallel to DC so EF AB के parallel है ये दे रखा है तो EF DC के भी parallel होगा ये दो चीजें आ गई हमारे पास अब तो मुझे इसमें प्रूव करना है देखिएगा टू प्रूव AB upon ED is equal to BF upon FC. AE upon ED is equal to BF upon FC. अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? Construction. Join AC. AC को join करो ऐसे. और इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए जी जॉइन एसी एज शोन सभी बच्चों को समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन यस सर आ रहा है दिव्यांश जी क्लियर है यस सर विदित दिशा यस सर ठीक है अब देखिएगा मैंने एसी को ज्वाइन कर दिया एसी को ज्वाइन करने पर मेरे पास ना दो ट्रायंगल बन गए और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को मैं ट्रायंगल्स में ही अप्लाई कर सकता हूँ ट्रेपेजियम में नहीं तो दो ट्रायंगल बन गए एसी को ज्वाइन करने का मेरा पर्पस यही था कि एक ट्रायंगल इधर बन जाए और एक ट्रायंगल इधर बन जाए तो नाउ इन ट्रायंगल एडीसी ट्राइंगल एडीसी जब मैं ट्राइंगल एडीसी की बात करूंगा तो हम जानते हैं कि EF जो है वो DC के पैरेलल है इसका मतलब EG इज पैरेलल टू DC EG इज पैरेलल टू DC सो बाय बेसिक By basic proportionality theorem,
by basic proportionality theorem, AE upon ED आप समझ गए ना कि जब ई एफ डीसी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो ईजी है ये भी तो डीसी के पैरेलल होगा और जब ईजी डीसी के पैरेलल है तो एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एजी अपॉन जीसी। ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल अब दूसरा ट्राइंगल देखो सी बी ए इन ट्राइंगल सी बी ए जी एफ इज पैरेलल टू ए बी सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सी जी या आप बोलिए ये सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ बाई सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी ये हो जाएगा सी जी अपॉन जी ए समझ रहे हैं सभी बच्चे इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी सभी को क्लियर है इतना यस सर ठीक है और इसको मैं क्या कहूंगा इट इंप्लाइज दैट ये जो सी जी है ये जो सी जी है इसको मैं जी से लिख सकता हूँ पलट कर एक ही बात है ए बी बोलो या बी ए बोलो एक ही बात होती है तो सी जी को मैंने बोल दिया जी सी जी ए को मैंने बोल दिया ए जी ऐसी सी एफ को मैंने बोल दिया एफ सी और ऐसी एफ बी को मैंने बोल दिया बी एफ। ठीक है टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन taking reciprocal on both sides on both sides दोनों तरफ reciprocal ले लेंगे तो ये हो जाएगा AG upon GC और ये पलट कर हो जाएगा BF upon FC equation number 2। आप देखो ये जो पहली इक्वेशन है ये है AE upon ED AE upon ED is equal to AG upon GC के इक्वल है इसी तरीके से BF upon FC ये भी AG upon GC के इक्वल है तो फर्स्ट इक्वेशन भी AG upon GC के इक्वल सेकंड इक्वेशन भी AG upon GC के इक्वल दोनों को कंपेयर करेंगे तो AE upon ED is equal to BF upon FC आ जाएगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी बेटा यही प्रूव कर रहा था बताइए समझ में आ गया यस सर ठीक है जी आपका एग्जांपल नंबर 2 था उसके बाद अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 में हमें एक फिगर दे रखी है इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ ठीक है
prove that PQR is an isosceles triangle. मुझे ये prove करना है कि जो PQR बड़े वाला जो triangle है ये isosceles triangle होगा, ऐसा मुझे prove करना है. तो triangle बनाते हैं. सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, figure दे रखी है यहाँ पर भी. ये है P, ये है Q और ये है R. PQR ये ट्रायंगल गिवन है हमें और इसमें इन्होंने दे रखा है एक लाइन दे रखी है SP. SP ये लाइन है. और एंगल पी एस टी एंगल पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है गिवन गिवन पी एस अपॉन एस क्यू पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर PT upon TR is equal to PT upon TR is equal to PT upon TR. ये दे रखा है हमको. तो अब और प्रूव क्या करना है, एक तो ये दे रखा है PS upon SQ is equal to PT upon TR and angle PST is equal to angle PRQ. एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है ना, एक ये दे रखा है. अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. तो देखिएगा प्रूफ इसका क्या होगा. सिंस इट इज गिवन दैट पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर. सो देखो ये वो वाली चीज है जो पहले से हमको दे रखी होती थी. किसमें, ये वो वाली चीज है जो हमको उसमें दे रखा होता था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, जो प्रूव करके आता था. लेकिन ये रेशो पहले से इक्वल दे रखा है. तो अब मैं ये कहूंगा कि बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के इक्वल है, इसका मतलब एस टी और क्यू आर ये दोनों के दोनों पैरेलल होंगे. समझ रहे हैं, भाई लिखना कन्वर्स ऑफ, भाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर. इट इंप्लाइज दैट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. ये क्या हो गया, रीजन पे लिखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स.
ये गिवन था, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर वन। और ये हमने देखा कि जब लाइन ST लाइन QR के पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। बताइए बेटा सबको क्लियर है, बोलिए ये समझ में आ गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई है। यस सर, समझ आ गया सर। समझ गए विदित, क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है दिशा, चलिए तो हम ही बोलेंगे कि इक्वेशन वन में दे रखा है पीएसटी पीआर क्यू के इक्वल, इक्वेशन टू में आया पीएसटी पीक्यूआर के इक्वल। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल पीआरक्यू is equal to angle PQR. फिर नोट करेंगे इधर लिख रहा हूं, फिर लिखेंगे यहां पर सेंस द बेस एंगल्स ऑफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल पी क्यू आर के बेस एंगल्स हैं। और अगर किसी भी दो ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं या कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल एक आइसोसेलस ट्राइंगल कहलाता है। सिंस बेस एंगल्स ऑफ triangle PQR are equal to each other, so it is an isosceles triangle. यही हमको प्रूव करना था, समझ गए? बताइए बेटा क्लियर है इतना? यस सर, यस। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा कि एक्सरसाइज 6.2, ये टोटली आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर ही डिपेंड है पूरा का पूरा एक्सरसाइज। ये इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है इसके सारे क्वेश्चंस। तो अगर मान लो आप जैसे क्वेश्चन नंबर वन देखें, तो क्वेश्चन नंबर वन में जैसे ये दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मैं सेकंड पार्ट आपको कराता हूँ, फर्स्ट पार्ट छोड़ रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट, ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा करके दे रखा है, मैं सीधा बना रहा हूँ उसको। ABC ये वाला पॉइंट है D और ये वाला पॉइंट है E। अब ये जो AE है ये दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और EC दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली डीबी दे रखा है, डीबी दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि सेकंड पार्ट में मुझे एडी बताना है, तो हम कहेंगे सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी सो बाय टेल्स थ्योरम, ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसको टेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो कभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रैक्टिस करें और आपको याद ही ना रहे कि टेल्स थ्योरम क्या होती है,
और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बीच बीच में उसको थेल्स थ्योरम भी लिख लेना, एक बार एग्जाम में थेल्स थ्योरम पूछ लेंगे तो आप लोगों को नहीं तो याद ही नहीं रहेगा कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही दूसरा नाम है। तो बाय थेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डी बी कितना है 7.2, ए ई कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4। इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 18 1 18 18 3 54। ए डी इंटू 3 यानी कि 3 इंटू ए डी, 1 इंटू 7.2 मतलब 7.2, 3 को इधर ले जाओ AD हो गया 7.2 upon 3, 2.4 आ गया। तो AD की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। बताइए बेटा क्लियर है सभी को? यस सर। फर्स्ट पार्ट करना अपने आप, और टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6 क्वेश्चन तो आप लोगों से हो ही जाएंगे, ठीक है? तो ये आज का होमवर्क है, जो भी डाउट आएगा मेरे से कल पूछना। आगे फिर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर? एक्सरसाइज 6.2 कर दी है मैं। हाँ 6.2 पूरी करनी है आपको, उसमें मुझे लगता है आप 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे 10 में से, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस में आप लोग अटकेंगे वो मेरे से कल पूछिएगा। तो आज का होमवर्क ये है, और जितना भी होमवर्क कंप्लीट करेंगे उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना इंडिविजुअल, ठीक है? यस सर। बस जी आज इतना ही करेंगे बेटा। चारों बच्चों को क्लियर है ना जो कराया आज? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो करिएगा होमवर्क, होमवर्क करके भेजना मुझे।